हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो आपका NSCL AO का प्रिलिमिनरी एग्जाम्स है। तो कैसा गया ये एग्जाम, कैसा आया था, क्वेश्चन क्या रहे दोनों सेट्स में, लोगों के अटेम्प्ट्स और क्या हो सकती है इसकी कट ऑफ, ये सारी चीज़ों पर बात होगी इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज सर जो ध्यान दीजिएगा, हर कोई जो कट ऑफ के लिए परेशान हो रहे हो सर, कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपके अटेम्प्ट्स पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। आपकी एक्यूरेसी क्या है, क्या यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगी और होगी तो फिर वो जो दो शिफ्टों में होगी उसमें कितना अंतर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स जो कि मिलेंगे उस पर पड़ेगा, उस हद पे उन सारी चीज़ों पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कट ऑफ इस एग्जाम का। तो जहाँ तक मैं फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करूँ तो लोगों के अटेम्प्ट्स जो हुए ऑन एन एवरेज जो रिस्पॉन्स से पता चला है वो हर किसी का लगभग 75+ ही रहा है, मतलब जो कि थोड़े सीरियस कैंडिडेट थे। और उसके बाद जो पार्ट टू मतलब शिफ्ट टू में जो एग्जाम हुए हैं आफ्टरनून वाला, वहाँ पे थोड़े लोगों के अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 85-80+ अटेम्प्ट करके आए, 90s में भी अटेम्प्ट करके आए हैं। और शिफ्ट टू में ऑन एवरेज अगर अटेम्प्ट देखी जाए तो 65-70 के रेंज में बहुत लोगों के अटेम्प्ट सुनने को मिले हैं एज पर द रिस्पॉन्सेज। तो अब सर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ और है कि यहाँ पे IBPS, जैसा कि पहले भी बताया था कि एग्जाम्स जो होंगे इसके इंश्योरेंस के, वो IBPS के जो हार्डकोर लेवल एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा सा एक लेवल डाउन ही होगा। आप लोगों ने देखा होगा जो एग्जाम्स दिए हैं, जैसा उन्होंने बता रहे हैं कि एग्जाम्स में वैसा कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं था या बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। थोड़ा बहुत लेंदी किसी से मतलब शिफ्ट में मैथ्स था या थोड़ा किसी में रीजनिंग था, बट इट वॉज टोटली डुएबल। थोड़ा सा जो वेल प्रैक्टिस थे, थोड़े मॉक वॉक लगा के कहते हैं, उनके लिए उतनी परेशानी नहीं हुई है। बट उसके बाद भी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ यही है जिस पे कट ऑफ आपका बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि IBPS के जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत लंबे दिन तक चलते हैं, राइट, मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स जो होता है बहुत शिफ्टों का जो परसेंटाइल TWS टोटल वेटेड स्कीम में जो इक्वी परसेंटाइल मेथड में जो मार्क्स अलॉट करते हैं वो वहाँ पे उसमें होता है कि किसी का अगर थोड़ा टफ रहा, थोड़ा अटैम्प्ट कम भी रह गए तो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं अगर उसके वहाँ पे एक्यूरेसी सही रहा, वो कितने क्वेश्चन उसके शिफ्ट में लोगों ने अटैम्प्ट लिए, ये लिए, इन सारी चीज़ों पर बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका IBPS जैसे एग्जाम्स में लंबे दिन तक चलने वाले, लंबे शिफ्ट में होने वाले एग्जाम्स पे। बट यहाँ पे चूंकि एग्जाम सिर्फ एक ही दिन हुआ है, दो ही शिफ्टों में हुआ है, तो यहाँ पे कितना हद तक डेविएशन आपको देखने को मिल सकता है ये डिसाइड करेगा आपका कट ऑफ इन एक्चुअल में जो होने वाला है इस बार के NSCL AO के प्रीलिम्स में। तो बट सर इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके अटेम्प्ट थोड़े कम हो गए हैं वो बाहर हो चुके हैं रेस से, ऐसा अपने मन से बिल्कुल भी फितूर हटा दीजिए अगर आप लोगों ने रखा है। शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के क्वेश्चन में अगर जहां तक पता चला है वहां तक की बात ये है कि थोड़ा सा शिफ्ट टू में क्वेश्चन लेंदी थे, इसके चलते लोगों के थोड़े अटेम्प्ट्स कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शिफ्ट टू में लोगों के अटेम्प्ट अच्छे नहीं हुए हैं, शिफ्ट टू में बहुत लोगों के बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स रहे हैं। बट एवरेज नोट पे जहां तक मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज की बात करूं तो वहां पे शिफ्ट वन वे अहेड है, मतलब आगे है शिफ्ट टू वालों से अटेम्प्ट्स के मामले में। अब सर फिर वही बात हो जाती है, अटेम्प्ट्स तो ले लिए बट भैया एक्यूरेसी कितना रखे हो, एक्यूरेसी पे ही बहुत हद तक डिपेंड करेगा आपका कट ऑफ। क्वेश्चंस फॉर मोर ऑर लेस जैसे भी थे वो ऐसे नहीं थे कि आप बना नहीं सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, प्रॉब्लम थोड़ी टाइम के लेके हुई है, थोड़ी लंदे के लेके हुई है। रीजनिंग के कुछ पजल्स ऐसे थे जिसमें टाइम किल हो गया बहुत लोगों का, वो टाइम दे दिए और बना नहीं पाए, अरेंजमेंट सही से नहीं कर पाए, तो इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा बहुत अटेम्प्ट्स घटा है। अब बात करता हूँ सीधे यहाँ पे कट ऑफ क्या हो सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो शिफ्ट वन वालों के रिस्पॉन्स के हिसाब से कि 75+ जो है कट ऑफ जा सकती है और शिफ्ट टू वालों के हिसाब से 65-70 कट ऑफ जा सकती है, तो ये कितना तक सही होगा? तो सर देख लीजिए वैकेंसी के हिसाब से लोगों के जितने अटेम्प्ट्स हुए हैं और अगर एक्यूरेसी रहती है और जिस दर से कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ रहा है हर साल, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मैं आपके बहुत तरह की चीज़ों को ध्यान में रखे कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, कि हर किसी का जिसका अटेम्प्ट 70+ है, इधर वो शिफ्ट वन के हैं इधर वो शिफ्ट टू के हैं, उनके पास फेयर अमाउंट मतलब हैंडसम चांसेस हैं कि वो अपने आप को एक्सपेक्ट करें कि उनका प्रीलिम्स इस बार निकल रहा है इफ दे हैव मेंटेन्ड देयर एक्यूरेसी। मतलब अगर आप 75+ अटेम्प्ट लियो और आपकी एक्यूरेसी एकदम सही है तो सर बिना विनर एक भी वेस्ट किए हुए आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि बहुत टाइमली रिजल्ट आता है, फिर तुरंत मेंस होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वहां पे आपको मेन गेम चेंजर होगा, परफॉर्मेंस अपनी देनी पड़ेगी इस जगह पे अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। हाँ, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जिनके थोड़े अटेम्प्ट्स कम हो गए हैं क्या वो बाहर हो चुके हैं, सर ऐसा भी नहीं है कि आपके अगर अटेम्प्ट मान लो 67-68 रह गए हैं या 70 टच के रह गए हैं और अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बाहर हो गए और आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए मेंस की, तो ये भी आप गलती कर रहे हो। होने क्या वाला है यहाँ पे कि जिन किसी का अगर शिफ्ट टू में थोड़ा पेपर हुआ है उनकी एक्यूरेसी सही रही, अब बाकी पूरे एग्जाम्स जितने ऑल ओवर इंडिया लेवल में जहाँ भी एग्जाम्स हुए वहाँ मान लो लोगों के अटेम्प्ट ही ऐसे हो जाते हैं कि वो एवरेज अटेम्प्ट निकल के आ जाता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बात बता रहा हूँ 69 हो जाता है, ठीक है, या मान लो 72 ही हो जाता है,
और वहाँ पे एक्यूरेसी ऐसी रहती है किसी ऐसे कैंडिडेट की जो कि 66 ही अटेम्प्ट लेके आए हैं और उसकी एक भी गलती नहीं है, और बाकी डेविएशन के हिसाब से जब मार्क्स देखा जाता है और सिर्फ वन वालों का एवरेज अटेम्प्ट मान लो 72 निकल के आते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे ने 72 बनाया था और अगर कट ऑफ 70 बन जाती है तो थोड़े बहुत चांस उसके लिए वहाँ पे बन जाते हैं, किसके लिए, जो कि सिर्फ 2 वालों में अगर उसने एक्यूरेसी मेंटेन रख के अप्रोचिंग 70 भी अटेम्प्ट लिया था प्रीलिम्स निकलने के। देखिए सर, कट ऑफ जो होता है ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हाईएस्ट लाने वालों के लिए नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है, या फिर उनके लिए भी नहीं होता है जब बहुत कम अटेम्प्ट लिए उनका चांस मतलब लग जाए, ऐसा नहीं होता है। बस कट ऑफ होता है एक मार्क्स ऊपर या 0.50 मार्क्स ऊपर, चूंकि 0.25-0.5 का भी अंतर पड़ जाता है, किन से जो कि एवरेज मार्क्स आए हैं लोगों के उससे बस 0.5 या 0.25 या 1 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर लो वो पर होंगे। क्या सब किसी के 70 प्लस अटेम्प्ट होंगे? 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाने वाला है आपके मेंस में, तो वैकेंसीज के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो क्या उतने बच्चों का 75 प्लस अटेम्प्ट सही हुआ है? मान लो किसी ने 98 बनाया और 10-12 गलती कर दी तो वो तो वहीं पीछे हो गए, है ना। उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से पता होगा, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता है सर कि आपके अटेम्प्ट कैसे रहे और आपकी एक्यूरेसी कैसे रह करती है इन तरह के एग्जाम्स में। तो बहुत हद तक इस फैक्टर पर डिपेंड करने वाला है कट ऑफ इस बार का। तो यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, अगर जनरल में आप हो, अनरिजर्व में हो, और अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं 75 प्लस, तो डेफिनेटली आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगर आपकी एक्यूरेसी सही रहती है तो आप मैं इसकी तैयारी में लग जाओ। अदरवाइज अगर आपकी 70s में भी अटेम्प्ट है, 65 प्लस भी आपके अटेम्प्ट है, अगर आप सिर्फ 2 में भी पेपर दिए हुए और आपकी एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, देन यू शुड ऑल्सो फील होपफुल। वर्स्ट केस क्या हो सकता है? बहुत लोग पूछते हैं कि सर वर्स्ट केस बता दीजिए, कट ऑफ क्या हो सकता है, 90 जा सकता है क्या, 85 जा सकता है क्या? तो सर ये बेवकूफ़ी होती है, ऐसा कोई वर्स्ट केस होता ही नहीं है, वो बेस्ट केस होता है कि इससे ज़्यादा नहीं पहुंचेगा, मतलब आपके लिए वर्स्ट हो गया अगर आपका नहीं निकला, तो जिसके लिए निकला उसके लिए तो बेस्ट केस हो गया। मान लो 90 कट ऑफ चला गया, ऐसा जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और किसी के 90 आ गए तो उसके लिए तो बेस्ट केस हुआ, मतलब एकदम बस अंदर हो गया, है ना। तो ये नहीं होने वाला है, कट ऑफ जो भी रहेगी वो 70% कट ऑफ के मार्क्स में ही आपको देखने को मिलेगा। आप थोड़ा बहुत वो TWS से जो आगे पीछे होता है वो मैटर करेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होने के चांसेस रहते हैं, +2 +3 मार्क्स, अदरवाइज आपको कट ऑफ प्रिलिमिनरी के इसी हिसाब से देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है या स्पेकुलेशन है, ये फिर अभी तक के आए हुए रिस्पॉन्सेज के तर्ज पे ही मैंने आप लोगों को बताया है। अब इसके अलावा अगर कुछ थोड़ी और एनालिसिस की आपको जरूरत होती है तो फिर आप कहिएगा नीचे आके कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, और फिर हो सकेगा तो एक नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बना दूंगा। तो यही था फ्रेंड्स इस वीडियो में, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।